अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 99, तपिश। लैला कबीर के पीछे पीछे खिंची चली जा रही थी। उसके चेहरे पर अब कुछ कुछ सीरियसनेस सी आने लगी थी। कबीर ने उसे कोने में ले जाकर उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, अब वो डायलॉग दोहराओ। लैला की हिरनी सी आंखें उसका ये रूप देखकर सिहर सी गई थीं। उसने नजरें झुकाकर अपना गला साफ किया और वो लाइंस दोहराने लगी, लेकिन हलवे वाली बात तक पहुंचते पहुंचते एक बार फिर से वही हुआ। एक बार फिर लैला की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए कहा, पता नहीं कबीर सर, मैं शांत रहने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी रह नहीं पा रही। तब कबीर ने उसे लगभग झिझोड़ते हुए कहा, तो ठीक है, याद करो उस दिन को जब तुम सुजॉय की फिल्म की मुहूर्त की पार्टी में उदास थी, रो रही थी, क्या हुआ था उस दिन? ये सुनना था कि लैला के चेहरे पर एकदम से उदासी छा गई, उसके होठों से धीरे से निकला, पापू। कबीर ने भी वो लफ्ज सुन लिया था और उसने फिर आगे कहा, उस दिन वाले इंसिडेंट को याद करो और उसी फील में अपने डायलॉग दोहरा दो। कबीर की बातें अब लैला के कानों में नहीं जा रही थी। अब उसका ध्यान अपने बापू पर जा टिका था और बापू की याद के साथ ही उनकी 13वीं पर सुनी माँ की कड़वी कसैली बातें भी याद आने लगी थी। लैला का दिल जैसे एकदम से उचाट सा हो गया। उसके चेहरे पर छाई हुई अफसोस की लकीरें देखकर कबीर को लगा यही सही मौका है। वैसे भी सूरज निकलने ही वाला था। उसने उसी तरह लैला का हाथ थामे हुए कैमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, जबकि उधर पार्थो समेत पूरी क्रू लैला की इस हरकत से काफी परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि आज की ये तमाम सेटअप में लगाए गए 2-3 घंटे यूं ही बर्बाद चले जाएंगे। तभी कबीर ने लैला को लाकर कैमरे के सामने खड़ा कर दिया और पार्थो को शॉट रेडी करने के लिए इशारा दिया। एक्शन बोलते ही लैला ने आंखों में आंसू लिए, पूरा डायलॉग ठीक वैसे ही दोहरा दिया जैसे कि सीन की डिमांड थी। डायरेक्टर ने एक ही बार में शॉट ओके कर दिया। यही नहीं, सबके सब लैला को बधाई भी देते जा रहे थे। लेकिन लैला वो शॉट देकर उदासी से चलती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ती हुई बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कमरे में आते ही लैला एकदम से आकर राउंड बेड पर औंधी पड़ गई। कबीर ने कैसे गम के तार छेड़ दिए थे जिन्हें वो भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। नंजी तो पराए थे, उन्होंने जो भी कहा मुझे उसका जरा भी बुरा नहीं लगा माँ, लेकिन अपनी सगी बेटी को अच्छे से जानते हुए भी तुमने उस दिन जिस तरह के शब्द मेरे लिए कहे थे वो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं माँ, आज भी गूंजते हैं। उसने बिलखते हुए ख्यालों में ही अपनी माँ से शिकायत की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लैला ने जल्दी से उठकर अपने आंसू पोंछने चाहे, लेकिन तब तक कबीर अंदर आ चुका था। उसने लैला के करीब बैठते हुए कहा, सॉरी, मैं शायद ज्यादा ही रूड हो गया था। लैला ने अपनी नजरें नीचे किए हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर आप शायद मुझे वो बात याद नहीं दिलाते तो आज इतने लोगों की इतनी देर की मेहनत बेकार चली जाती। तब कबीर ने कहा, क्या हुआ था, बताओगी नहीं? लैला ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस खामोश बैठी रही। तब कबीर ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, देखो अगर बताओगी नहीं तो फिर अगले सीन के लिए खुद को तैयार करना मुश्किल होगा। मैं जानता हूँ वो जरूर कोई सीरियस इशू रहा होगा, इसीलिए तुम उस दिन इतनी डिस्टर्ब थी, और यहाँ तक कि आज भी सिर्फ एक बार याद दिलाने के बाद तुम्हें वो बात इतनी इमोशनल कर गई, तो तुम अगर मुझे वो बातें बता दोगी तो शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। कबीर ने इतनी अपनायत से कहा कि लैला का दिल चाहा कि उसके सामने अपना पूरा दिल उढ़ेल कर रख दे, लेकिन तभी जैसे उसके दिमाग ने उसे याद दिलाया, याद रख लैला, अगर अभी तूने कबीर को कुछ भी बताने की कोशिश की तो इस इंसान को तेरी आधी अधूरी कहानी सुनकर भी इसे तुझसे सब कुछ उगलवाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, इसीलिए बेहतर है
कि तू बस खामोश रह। ये ख्याल आते ही लैला ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, बस ऐसे ही बापू की याद आ गई थी उस दिन, और आज जब आपने याद दिलाया तो आज भी। कहते हुए उसके होठों पर फीकी सी हंसी थी, जबकि उसकी रोती हुई उदास आंखें कुछ और ही कह रही थी, जो कि कबीर की नजरों से छुपना मुश्किल था। कबीर ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच में थामते हुए कहा, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे इन आंसुओं के पीछे सिर्फ बापू की याद नहीं है, लेकिन मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा कि तुम मुझे अपने पर्सनल इशू बताओ ही, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि हालात में ढलना सीखो। उस वक्त उदास होने की जरूरत थी, वो सिर्फ उस वक्त थी, अब नहीं है, इसलिए अब पहले वाली लैला बन जाओ। ये सुनकर लैला कुछ हैरान रह गई। उसने अपनी गुलाबी डोरों वाली आंखों से कबीर की आंखों में झांकते हुए कहा, साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि लैला मशीन बन जाओ। कबीर ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लो साफ साफ कहता हूं कि मशीन बन जाओ, क्योंकि हाँ इस इंडस्ट्री के लिए लोगों को एक इमोशनल मशीन ही चाहिए होती है, जिसका मूड हर अगले सीन के हिसाब से ढल जाए। यूं समझो कामयाब होने का यही एक मूल मंत्र है। लैला उसका चेहरा देखती रही। ये कबीर सर कितनी गहरी बातें कितने आसान लफ्जों में कह जाते हैं, लैला ने मन ही मन में सोचा, और फिर एकदम से एक गहरी सांस लेकर खड़ी होती हुई बोली, ठीक है मैं तैयार हूं, चले नीचे। कबीर ने उसे तारीफ भरी नजरों से देखते हुए कहा, चलो। दोनों सीढ़ियां उतरते हुए वापस वहीं पर आ गए जहां अगला सीन शूट होना था। उनके पहुंचते ही पार्थो ने कहा, अभी हमें इसी एरिया में एक और शॉट लेना है। कहते हुए उसने लैला की तरफ देखा, मगर उसकी सुर्ख आंखें और गुलाबी नाक देखते हुए उसने कहा, लेकिन ये चेहरा तो अभी उस सीन के लिए सूटेबल नहीं है। थोड़ी देर उसे वैसे ही निहारते हुए उसने अचानक कहा, एक काम करते हैं, अभी वो हम इंडोर शॉट लेते हैं जिसमें हीरोइन दुखी है और उसका हीरो के साथ रोमांटिक सीन शूट करना होता है। कबीर और लैला दोनों ने ही इस पर हामी भर दी, तो पार्थो ने फिर बाकी लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हुए कैमरा एक पहले से तयशुदा कमरे में सेट करने के लिए कहा। कुछ ही देर के इंतजार के बाद सारी सेटिंग हो चुकी थी। इतने में लैला और कबीर ने उन डायलॉग्स की रिहर्सल भी कर ली थी। फाइनली अब दोनों कैमरे के सामने मौजूद थे। लैला की कैमरे की तरफ पीठ थी। कबीर ने उसके करीब जाकर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए अपना डायलॉग बोलना शुरू किया। इतनी मुद्दत से एक ऐसे दिल की तलाश थी नैना, जो मुझे समझे, मुझे चाहे, मेरी हर बात को सराहे। आज इस छोटे से गांव में अपने ख्यालों की लड़की तुम्हारी शक्ल में पाकर मैं कितना खुश हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तब लैला ने पलटते हुए कहा, इन सब में मैं कहां हूं ठाकुर साहब, क्या मेरा दिल ये सब नहीं चाह सकता? या फिर मैं ये समझ लूं कि मर्दों की इस दुनिया में एक औरत को अपने साथी के रूप में ये सारे ख्वाब देखने का कोई हक नहीं? डायरेक्टर ने क्लोज शॉट में कैमरा लैला के चेहरे पर सेट कर दिया था, जहां रोने से उसकी आंखों में गुलाबी और सुर्ख डोरों का जाल सा बिछ गया था। तभी कबीर की नजर वहीं दीवार पर मौजूद एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। वो कुछ कदम चलते हुए उस लकड़ी के मंदिर के सामने गया और वहां से अपनी चुटकी में कुमकुम भर लाया। फिर एकदम से उसे लैला की मांग में भरते हुए अपनी लाइन्स बोली, इन सब में तुम ही तुम हो नैना, अब इससे बड़ा सबूत मैं नहीं दे सकता कि मैं आज भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। लो अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, अब तो साबित हुआ ना कि ठाकुर अभय प्रताप सिंह सिर्फ अपने अधिकार लेना नहीं बल्कि खुद से जुड़े हुए लोगों को उनके अधिकार देना भी जानता है। कबीर के मुंह से सुनते ही लैला ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर एकदम से उसके गले लगते हुए बोली, ठाकुर साहब लेकिन ये दुनिया, ये समाज क्या इस बंद कमरे में दिए गए इस अधिकार को स्वीकार करेगी? कबीर ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा,
तुम्हें किसने कह दिया पगली कि तुमको दिया गया ये अधिकार इस बंद कमरे तक ही रहेगा? ये ठाकुर अब अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। है प्रताप सिंह का वचन है कि मैं तुम्हें पूरी आन बान शान के साथ विदा करा कर ले जाऊंगा। ये सुनना था कि लैला ने उसे जोर से भींचते हुए धीरे से उसका नाम पुकारा, ठाकुर साहब। कुछ देर बाद यूं ही एक दूसरे से लिपटे हुए रहकर दोनों एक दूसरे का करीब होना महसूस करते रहे। फिर कबीर ने धीरे से उसे खुद से अलग किया और फिर उसकी आंखों में निहारता हुआ बोला, मुझे औरतों का रोना देखा नहीं जाता, लेकिन इन सुर्ख डोरों भरी आंखों में तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि जी चाहता है तुम्हें बस देखता ही रहूं। ये सुनते ही एडी ने जैसे ही ये कहना चाहा कि स्क्रिप्ट में ये डायलॉग नहीं है, वैसे ही पार्थो ने उसे रोकते हुए धीरे से कहा, डोंट डिस्टर्ब, चलने दो। तब कैमरामैन ने धीरे से सिर हिलाते हुए कैमरा रोलिंग ही रखा। उधर लैला को भी ये महसूस हो चुका था कि कबीर स्क्रिप्ट की लाइंस नहीं बोल रहा है, लेकिन वो भी खुद को उस मोमेंट में बहने से रोक नहीं पाई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तो मैं क्या समझूं कि आप मुझे रुलाते रहना चाहते हैं? लैला भी अब अपनी लाइंस भूल चुकी थी। कबीर ने उसके नाजुक मखमली उभरे हुए होठों पर अपनी गर्म हथेली रखते हुए तेजी से कहा, भगवान न करे, मैं तो चाहता हूं कि इन होठों की हंसी मेरी मौत के बाद भी यूं ही कायम रहे। इतना सुनते ही लैला ने जैसे तड़प कर आंखें खोली और शिकायती नजरों से उसे देखते हुए कहा, लोग ठीक कहते हैं, ठाकुर निर्दयी होते हैं, अभी ठीक से मिले भी नहीं और यूं मरने की बात करने लगे। ये सुनते ही कबीर ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, तो तुम खुद ही मुझे ठीक से मिलने नहीं दे रही हो। लैला को अब कबीर के लफ्जों के साथ उसकी गर्म सांसों की तपिश भी अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। उसने शर्म से एक बार फिर अपनी आंखें मूंद ली। एक पल को तो लैला के साथ साथ बाकी के क्रू मेंबर्स को भी एहसास हो चला था कि कबीर अब लैला के होठों को चूम लेगा, लेकिन शायद कबीर ने आखिरी वक्त में अपना इरादा बदल दिया और सीन के हिसाब से लैला को अपने गले से लगा लिया। वो भी आंखों को मीचे उसे एक बार फिर भींचती हुई गले लगा रही थी। शॉट कंप्लीट हो चुका था तभी एडी ने कुछ ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, कडेट कडेट। और फिर एकदम से कबीर और लैला जैसे ख्यालों से इस दुनिया में वापस लौट आए। इन कुछ पलों में दोनों तो जैसे बिल्कुल ही भूल चुके थे कि वो एक सीन शूट कर रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें होश आया कि अभी अभी उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो कैमरे के लिए था। पार्थो ने कबीर की पीठ थपथपाते हुए कहा, मान गए यार, क्या जानलेवा जानदार एक्टिंग की है तूने। देखना पब्लिक इस एक सीन को देखने के लिए कैसे हाउसफुल पर हाउसफुल शोज निकलवाती है। और लैला, योर एक्सप्रेशंस वर ऑसम। लैला ने नजरें झुकाए हुए बस थैंक यू कहा। वो इससे ज्यादा और कह भी क्या सकती थी। जिसे लोग उन दोनों की एक्टिंग समझ रहे थे वो तो दरअसल उन दोनों की ही सच्ची फीलिंग्स थी, लेकिन ये दूसरों को बताना तो दूर, लैला खुद में भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तब पार्थो ने कहा, सब सुबह से लगे हुए हैं, इसीलिए अभी सब ब्रेकफास्ट कर लें, हम बाकी के सीन के लिए 4 बजे के बाद शूटिंग रख लेते हैं, तब तक सबका थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। सभी ने इस बात के लिए अग्री किया और सब अपने अपने कामों में लग गए। तभी कबीर ने फूड डिपार्टमेंट के हेड से कहा, मिस लैला और मेरा नाश्ता ऊपर ही भिजवा देना। उसने श्योर सर कहा और खाने का मैनेजमेंट देखने चला गया। लैला और कबीर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे। लैला का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने जो कुछ भी महसूस किया था वो कबीर की सिर्फ एक्टिंग तो नहीं थी। इसी उधेड़ बुन में वो कबीर के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी फर्स्ट फ्लोर से गुजरते हुए उसकी नजर जैसे चौंक सी गई। उसी फ्लोर के कमरे से उसने जिसे निकलते हुए देखा था वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था।
ये यहाँ? लैला ने जैसे खुद से सवाल किया। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।